14 नवंबर बाल दिवस। बाल दिवस के अवसर पर लखनऊ के अलीगंज शहर के एकमात्र आंचलिक विज्ञान केंद्र में न्यूज टाइम्स की टीम पहुंची। आपको बता दें कि आंचलिक विज्ञान केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसमें ऑडिटोरियम यानी विज्ञान की प्रेजेंटेशन के साथ साथ बच्चों के खेलने और मनोरंजन के लिए भी अलग से कई सेक्शन बनाए गए हैं। यहाँ के परियोजना समन्वयक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राज मल्होत्रा से न्यूज टाइम्स की टीम ने बात की। बातचीत में उन्होंने कई अहम जानकारियाँ दी। आपको बता दें कि ये ऑडिटोरियम है जहाँ पर स्कूल के बच्चों के अलावा लोग खुद भी आते हैं और यहाँ पर खेल के साथ बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को मिलती है। वर्ष 1989 में इसका शुभारम्भ हुआ, तब इसे आंचलिक विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सन 2007 में इसका विस्तार हुआ और तब से इसका नाम बदलकर आंचलिक विज्ञान नगरी के रूप में आया। इस विज्ञान नगरी का मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस में विज्ञान की जागरूकता फैलाएं, विज्ञान का प्रचार प्रसार करें, विशेषकर युवा वर्ग में, जिससे कि उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, वो अपनी सोच में लॉजिक्स का समावेश करें, एक सुलझी हुई सोच उनकी हो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच के साथ लॉजिकली सोचने और विज्ञान को सिर्फ पढ़ने ही नहीं बल्कि उसको अपने सामने करके देखने का एक मौका मिले, जिससे बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर विज्ञान की चीज़ों के लिए हर एक सेक्शन अलग से बनाया गया है, जैसे यहाँ पर न्यूटन लॉ के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। आपको बता देंगे डॉक्टर राज मल्होत्रा ने हमें ये भी बताया कि इस तरह से पूरे भारत में विज्ञान आंचलिक केंद्र है जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। लगभग इसकी फ्रिक्वेंसी हर महीने 3 या 4 इवेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें बच्चे कभी वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ, कभी क्विज कंपटीशन हुआ, कभी और उनके साथ एक पॉपुलर टॉक किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से एक विशेष टॉपिक को लेकर उस पर चर्चा प्लस साइंटिफिक इंटरेक्शन, वो भी यहाँ कराया जाता है। कि टोटल भारतवर्ष में 25 और विज्ञान केंद्र हम कार्य कर रहे हैं और ये सब नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के अंतर्गत आते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM इसकी अपेक्स बॉडी है जिसके अंदर ये विज्ञान केंद्र आते हैं। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफिस इन कलकत्ता। डॉक्टर राज मल्होत्रा ने बाल दिवस हुए तकरीबन 200 से ज्यादा स्कूल के बच्चे न सिर्फ दूसरे शहरों से बल्कि दूसरे जिलों से भी यहां पर आए हुए थे। ओसन वाटर मटेरियल से लेकर विज्ञान आंचलिक केंद्र में रिफ्लेक्शन और इमेज बैरियर, न्यूटन लॉ जैसे विज्ञान के नियमों को करके देखने और उनके सामने खेल खेल में मजे लेकर बहुत सारी चीजें करने में उन्हें मजा भी आ रहा था। इमेज शो जैसे सेक्शंस भी थे जिसमें आपको लाइट रिफ्लेक्शन के सामान्य नियमों को बच्चे करके देख रहे थे और उसे समझ भी रहे थे। सोलर सेक्शन भी था जहाँ पर बच्चों ने बहुत सारी चीजें देखी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में सीखा। तारा मंडल भी था वहाँ पर जहाँ पर बच्चों ने ना सिर्फ तारा मंडल के बारे में जाना बल्कि अपने तारों, ग्रह, सूर्य के बारे में अपनी नई जानकारियाँ हासिल की। यहाँ पर मौजूद है विज्ञान आंचलिक केंद्र में। ये लखनऊ का एक इकलौता ऐसा केंद्र है जहाँ पर स्टेट से तो जरूर ही आते हैं और आज ये पूरा आंचलिक केंद्र है बच्चों से खचा खच भरा हुआ है। कई स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, कुछ अभिभावक खुद अपने बच्चों को लेकर आए हैं, कुछ पेरेंट्स के साथ आए हैं। यहाँ पर देखने और सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के साथ जैसे लोग कहते सभी बच्चे बन जाते हैं, तो आप हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सारे ये जो आंचलिक केंद्र है यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। बहुत है हमारे साथ, बहुत स्कूल के बच्चे हैं, कोई यूनिफॉर्म के साथ है, कहीं नहीं भी है। लंबी लाइन लगी हुई है, एग्जिट और एंट्री तक लंबी लाइन लगी हुई है बच्चों की और साथ उनके टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे खेल के साथ देखने सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। इसका कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर कि बच्चे साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करें। अभी हमारे डायरेक्टर सर से भी बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि जो है आंचलिक केंद्र ऑल ओवर इंडिया में है और उनकी मेन बॉडी एक होती है जो कोलकाता में वहाँ पर उससे हेड की जाती है। ये सारे बच्चे हैं, हम उसी से इन्हीं से पूछते हैं। बच्चों आपको यहाँ पे कैसा लगा, कुछ देखा आपने, क्या क्या किया आपने बताइए जरा। बहुत इंजॉय किया, पुराने जमाने की चीजें देखी अपने और सारे मंडल देखा और वहाँ पे आपने कुछ खेला भी।
एक तो सेक्शन खेलने वाला भी था, सौर मंडल देखा, वाटर सेक्शन भी दिखा, पानी वाली क्या देखा वहाँ पे, फुटबॉल भी खेली, वो जो बॉल सेक्शन था ना बहुत सारी कलेक्ट फुटबॉल थी वहाँ पे। आपका नाम क्या था? आपका क्या नाम है आपका? सारे बच्चों मिलके बोलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इस तरह की पहल निश्चय ही सराहनीय है। मैं शालिनी सिंह, न्यूज़ टाइम्स, लखनऊ ब्यूरो।